पूरी दुनिया में अगर किसी भी बीमारी से आज सबसे ज्यादा डेथ होती है तो वो है हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी टोटल डेथ होती है उसमें से 25 से 30% डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से होती है, यानी कि हर 4 में से एक डेथ हार्ट अटैक से। सबसे अफसोस की बात यह है कि हार्ट अटैक से जितनी भी डेथ होती है उसमें से 50% से ज्यादा डेथ जो होती है उन लोगों की उम्र 50 साल से कम होती है, और 25% यानी 25% से ज्यादा जितनी डेथ होती है उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। और यह हमारे देश भारत के लिए सबसे शर्मनाक है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट पेशेंट है उसके 60% हार्ट पेशेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें से 6 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे देश यानी भारत में है। यानी कि हमारा देश हार्ट डिजीज में नंबर 1 है। आज हमारे देश में 30 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मरते हैं, यानी कि रोज हमारे देश में 9 से 10 हजार लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास सुना होगा कि आजकल बहुत यंग लड़कों के भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और बहुत सारी डेथ आजकल यंग लड़कों के भी हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार पिछले 9 महीने में कोविड-19 से हमारे देश में करीब 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है, जबकि पिछले 9 महीने में हार्ट अटैक से हमारे देश में करीब 22 से 23 लाख लोग मर चुके हैं। लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 से अगर 1.5 लाख लोगों की भी मौत हुई है तो पूरा देश हिला हुआ है। पिछले कुछ ही महीनों में मशहूर क्रिकेटर कपिल देव, जिनकी एज सिर्फ 61 ईयर्स है और जो हमेशा खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद मशहूर कोरियोग्राफर डांसर रेमो डिसूजा, जिनकी उम्र सिर्फ 46 ईयर है और वो बहुत अच्छे डांसर हैं, हमेशा जिम प्रैक्टिस, दौड़ना, भागना, डांस करना, उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जिनकी एज सिर्फ 48 ईयर है, जो कि इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, हमेशा दौड़ते, भागते, जिम करते, और उसके बावजूद उनको भी हार्ट अटैक हुआ। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उनमें अक्सर लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। तो आइए आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक आए तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको तीनों पैथ के हिसाब से बताऊंगा कि इमरजेंसी में अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। और दोस्तों, अगर हमने इसको मिशन बना के खुद को अवेयर किया और लोगों को अवेयर किया तो मेरा आपसे वादा है कि हम हर साल लाखों मरने वाले लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं जो कि हार्ट अटैक से मरते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमल छाछेड़ से जान लेते हैं कि हार्ट अटैक में होता क्या है और इमरजेंसी कहते किसे है। इमरजेंसी में होता क्या, एक बार पहले बताऊं, इमरजेंसी हार्ट के पेशेंट को एक होता है जबकि उसकी हार्ट अटैक हो चुकी है। जब हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, बैठे बैठे पेन होगा, पसीना पसीना होगा, ये इमरजेंसी है, इसका मतलब हार्ट अटैक हो गया। तो दोस्तों, अब जानते हैं न्यूट्रिशन पैथ के हिसाब से वर्ल्ड के रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से कि अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए। सो हार्ट अटैक के वक्त इमरजेंसी में व्हाट इज मेडिकली प्रूवन, केनिन पेपर, इसको कहते हैं लाल मिर्च, राइट, और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कैपेसिसिन, राइट, दैट इज द एक्टिव केमिकल नाम है, राइट, लाल मिर्च के अंदर। और वो कैसे काम करता है, जैसे ही वो जीभ में जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ाता है, ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड क्लॉटिंग को इमीडिएटली, कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा हो बड़ी तेजी से उसको रोकता है। ये 3 एक्शन है उसके, राइट, तो लाल मिर्च हिंदी में बोलेंगे उसको, राइट। तो जैसे ही पहला सिम्टम आता है हार्ट अटैक का, पहला ऐसा लगता है पसीने छूट रहे हैं, बहुत तेज से दर्द हो रहा है, राइट, ऐसा लग रहा है कोई हार्ट से निचोड़ रहा है, तो द फर्स्ट सिम्टम में अगर वो लाल मिर्च को चबाना शुरू कर देंगे तो इट टेक्स 60 सेकेंड्स, राइट, सिम्टम को रिलीव करने में। पहला सिम्टम आते ही चबाना शुरू करना है, 60 सेकेंड के अंदर वो रिलीव होगा, रिलीव होने के बाद फिर चबाना रोक सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मेडिकली प्रूवन साइंस कि इससे हार्ट अटैक को इमीडिएटली 60 सेकेंड में यू कैन हॉल्ट इट, यू कैन स्टॉप द हार्ट अटैक देयर विद इन 60 सेकेंड्स। दोस्तों, इस लाल मिर्च वाली बात को देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विमल छाछेड़ ने भी कहा है, आइए सुनते हैं। लाल मिर्च हार्ट के लिए भी बढ़िया माना जाता है, पर जिस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है उस वक्त। दोस्तों, ये था न्यूट्रिशन पैथ के हिसाब से। अब जानते हैं राजीव भाई दीक्षित से कि होम्योपैथ के हिसाब से अगर अचानक हार्ट अटैक आए तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें,
बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता रख लो, ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, 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 एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए, एकोनाइट 200। ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको, जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हर्ट एरिया में, हर्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की एक बूंद जीभ पर डाल दीजिए पेशेंट की, एक ही बूंद, 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर एक और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजिए, बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ। तो दोस्तों अब जानते हैं कि एलोपैथ के हिसाब से हार्ट अटैक के समय कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो आइए सुनते हैं हमारे देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विमल छाजेड़ से, जो कि साउल हार्ट सेंटर के फाउंडर भी है और डायरेक्टर भी है। जिस वक्त हार्ट अटैक हो जाए उस वक्त क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लें कि हार्ट अटैक में मिनिमम उसका इफेक्ट हो जाए या हार्ट अटैक रुक जाए, तो ऐसा कौन सा दवाई हो सकता है? तो हमारे मेडिकल साइंस में एक कॉम्बिनेशन बनाई गई है, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी पिल सिस्टम। ये इमरजेंसी पिल सिस्टम में क्या है, 3 दवाइयां होती है, एक एस्पिरिन होती है जो 325 मिलीग्राम लेना है, और एक क्लोपिडोग्रेल है वो 75 मिलीग्राम की 2 टैबलेट लेनी है, और एक एटोरवोस्टैटिन है वो 80 मिलीग्राम लेनी है। ये तीनों टैबलेट को अगर आप जोड़ेंगे तो इनका कॉस्ट करीब 25 रुपए आती है। मैं बोलता हूँ एक पाउच लो, उसमें तीनों टैबलेट लग के रखो, कभी भी कोई को हार्ट अटैक हो तो इमीडिएटली वो दवाइयां को आप पानी के संग पी लो, वो इमीडिएटली जाके एस्पिरिन को तो चबा के भी ले सकते हैं, और वो जाके इमीडिएटली ब्लड को पतला करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और हार्ट अटैक का इफेक्ट रोक दे, या हार्ट अटैक को ही रोक दे। तो कभी भी मन में सस्पेक्ट हो के छाती में दर्द हो रहा है, लग रहा हार्ट अटैक होने वाला है, या पसीना पसीना आ रहा है, तो ये 3 टैबलेट आप अपने जेब में रखें और कभी भी ले लें, ये हार्ट अटैक को रोकने का काम करेगा, और हार्ट अटैक का इफेक्ट अगर हुआ भी है तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने की काम करेगा। तो दोस्तों ये थी तीनों पैथ के हिसाब से कि न्यूट्रिशन पैथ के हिसाब से क्या करना चाहिए, होम्योपैथ के हिसाब से क्या करना चाहिए, और एलोपैथ के हिसाब से क्या करना चाहिए अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक आए तो। मैं एक बार और आपको ये तीनों को क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझिए। दोस्तों न्यूट्रिशन पैथ के हिसाब से डॉक्टर विश्रुप राय चौधरी जी ने बताया कि हार्ट अटैक आए तो हमें लाल मिर्च चबानी है, लाल मिर्च कच्ची हो या सूखी हुई ये दोनों हमें चबानी है, और गर्म पानी पीना है, या पिसी हुई लाल मिर्च की फंकी भी ले सकते हैं और गर्म पानी पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिसी हुई लाल मिर्च की एक फंकी ले सकते हैं और गर्म पानी पी सकते हैं। होम्योपैथ के हिसाब से राजीव दीक्षित जी ने बताया कि अगर हार्ट अटैक आए उस समय हमारे जीभ के ऊपर हमें एक बूंद एकोनाइट 200 की डालनी है, और फिर 5 मिनट बाद दूसरी बूंद डालनी है, और फिर 5 मिनट बाद तीसरी बूंद डालनी है। 3 बूंद से ज्यादा हमें एक दिन में ये दवाई नहीं लेनी है। अब बात करते हैं एलोपैथी की। हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर विमल छाजेड़ जी ने ये 3 दवाइयां बताई है, इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहली दवाई है एस्पिरिन 325 mg, इसकी 1 टैबलेट लेनी है। दूसरी दवाई है क्लोपिडोग्रेल 75 mg, इसकी 2 टैबलेट लेनी है, ये टैबलेट खून को पतला करती है। और तीसरी दवाई है एटोरवोस्टेटिन 80 mg, इसकी 1 टैबलेट लेनी है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। दोस्तों इन 4 टैबलेट को ताजे पानी से केवल 1 बार लेना है, ये टैबलेट आपके हार्ट अटैक को रोक सकता है, और अगर हार्ट अटैक हो चुका है तो उसके डैमेज को भी काफी कम कर सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि इन 4 टैबलेट को 4 खुराक बनाकर अलग अलग पाउच में रख लें। एक पाउच आप अपनी गाड़ी में रखें, एक पाउच आप अपने ऑफिस में रखें, एक पाउच आप अपने ऑफिस के लैपटॉप बैग में या और कोई बैग हो तो रखें, और 4th पाउच आप अपनी जेब में अपने वॉलेट में रखें, ताकि इमरजेंसी में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप तुरंत इस दवाई को ले सके। इसी तरह से आप एकोनाइट 200 की शीशी रख सकते हैं, और इसी तरह से आप लाल मिर्च की पुड़िया बनाकर
या लाल मिर्च का शेशर बनाकर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि इन तीनों में से एक ही दवाई का सेवन करना है, या तो आप लाल मिर्च का सेवन करें, या आप एकोनाइट 200 का सेवन करें, और या आप एलोपैथी की बताई हुई दवाई का सेवन करें। तीनों को एक साथ यूज ना करें। दोस्तों एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि उस समय आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप घबराएंगे तो आपकी सिचुएशन और खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपने इस तरह से किया तो आपको कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस उपाय और इस मेडिसिन से हम लोग लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सोशल काम जरूर करें कि आप इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, ताकि हम लोग मिशन बनाकर लाखों करोड़ों में होने वाली इस हार्ट अटैक की मौतों को कम कर सके। दोस्तों आपको